डीटीएन के प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। खबर रही जो हो सही। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन दाहोद की एमएनपी स्कूल में पेपर लीक का मामला बना चर्चा का विषय। जिला शिक्षण अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। दाहोद के समीप काली डैम में 4 स्कूली छात्रों की डूब जाने से हुई मौत से दाहोद हुआ शोकमय। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर ट्रक तथा बोलेरो के बीच हुई सड़क दुर्घटना में 4 की हुई मौत, 7 हुए घायल, छाई गमगीनी। जब हल्का सा कलर दिखने लगे तो इसमें डालिए 1 चम्मच नमक। उसके बाद जल्दी करो मॉम, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा, 5 मिनट। मॉम मॉम जल्दी। कितनी देर? अरे मेरी बस आ गई है, मैं जा रहा हूँ, बाय। सुन सुन ओम। क्या आपका अभी इंटरनेट ऐसे ही रुकता है? GTPL लगाइए, गुजरात वाइडेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। और आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही अच्छी पास्ता। स्विच करें GTPL का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, बिना रुकावट वीडियो देखें। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड की परीक्षाओं की। दसवीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानों की हुई शुभ शुरुआत दाहोद के विविध सेंटरों पर। दसवीं तथा 12वीं के बोर्ड का अपना अलग विशेष महत्व होता है। अभी हाल ही में दाहोद जिले में 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का हुआ शुभ आरंभ। पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच शुरुआत हुई इस बोर्ड की परीक्षा में सवेरे सवेरे से ही विद्यार्थियों तथा उनके परिजनों की आवाजाही देखी गई। इस मौके पर दाहोद की गर्ल्स हाई स्कूल में हमारी DTN की टीम भी पहुंची विशेष कवरेज के लिए, जहां दाहोद जिला कलेक्टर, दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक सहित जिले के आला अधिकारियों ने परीक्षार्थियों का पुष्प आदि देकर प्रोत्साहन बढ़ाया, उनका स्वागत किया और परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों को इन आला अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। हम भी अपने DTN परिवार की तरफ से तमाम बोर्ड के विद्यार्थियों को देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। दाहोद की MNP हाई स्कूल में पेपर लीक का मामला बना चर्चा का विषय। 3 लोगों के खिलाफ हुई FIR। अभी तो बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पहला ही दिन था। दाहोद की कई स्कूलों सहित MNP स्कूल में भी बोर्ड की परीक्षा हेतु सेंटर दिया गया था। पहले दिन गुजराती का पेपर था। दाहोद जिला कलेक्टर को मिली गुप्त किंतु पुख्ता जानकारी के अनुसार दाहोद की मदरसा मोहम्मदिया एंड पंजतनिया सोसाइटी संचालित MNP हाई स्कूल में शाला के कुछ लोगों की मदद से बोर्ड के पेपर की चोरी या नकल करवाने के प्रयास होने की संभावना है। ऐसी जानकारियां मिलते ही दाहोद जिला कलेक्टर ने मामलतदार सहित की टीम को आदेश दिए रेड करने के। ऐसे में मामलतदार सहित की टीम ने रेड की तो बताए गए शंकास्पद संचालक के कमरे पर था ताला। जानकारी पुख्ता होने की वजह से मामलतदार ने संचालक से ताला खुलवाने की बात की, किंतु संचालक द्वारा गोल गोल जवाब दिए जाने पर मामलतदार श्री ने पंचनामा कर ताला तुड़वाया। ताला टूटने के बाद जब मामलतदार सहित की टीम ने कमरे में प्रवेश किया तो चौंक गए। कमरे में जेरोक्स मशीन थी। इतना ही नहीं, बोर्ड के गुजराती के पेपर की सॉल्व की गई कतरने व ताज़ा गुलाब का फूल जो परीक्षार्थियों को
प्रवेश द्वार पर दिया जाता है ऐसा ही एक फूल तथा दसवीं की पाठ्य पुस्तक आदि भी हुए बरामद। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए तो थे किंतु डीवीआर बंद पाए गए। इस संबंध में स्कूल के आचार्य से बात करने पर उन्होंने भी उपयुक्त जवाब नहीं दिए थे। 100% જવાબદારી મારી હું ના નથી કેતો, પણ આજે પહેલું જ પેપર હતું અને આ પ્રવિધિની અંદર હું ને સરકારી પ્રતિનિધિ આ રૂમનો કેમેરો કહી દેશે, રેકોર્ડિંગ આ રૂમનું ચાલુ હતું એટલે આ રૂમની અંદરથી હું કેટલો બહાર છું, હું કેટલો ક્યાં ફરું છું એ રૂમનો કેમેરો કહેશે। घटना की जानकारी पाकर जिला शिक्षण अधिकारी सहित की टीम भी घटनास्थल अर्थात MNP स्कूल पहुंची। वो मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर दाहोद जिला शिक्षण अधिकारी ने शाला के संचालक नजमुद्दीन भाई गांगड़ीवाला, आचार्य DK पटेल व बिल्डिंग कंडक्टर PM पटेल के विरुद्ध विधिवत तौर पर FIR दर्ज करवाई है। MNP स्कूल दाहोद खाते परीक्षा शुरू थया बाद गैरिती आचार्य की माहिती वर्ता जिला शिक्षण अधिकारी श्री ए तपास तजवीज करावता बाद केन्द्रना संचालक तेमज ट्रस्टी विरुद्ध में गैरिती आचार्य अंगे की फरियाद आपेली छे, जेनी हाल तपास चालू छे। FIR के पश्चात गांधीनगर से विशेष तौर पर आई FSL की तथा फिंगरप्रिंट की टीम ने बरामद की हुई जेरक्स मशीन को अपने कब्जे में लिया और गांधीनगर ले गए। बहरहाल बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन MNP हाई स्कूल में घटी ये घटना दाहोद सहित समग्र गुजरात में बनी चर्चा का विषय। डाउनलोड कंप्लीट। वाओ, अब अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड करें 100 MBPS की स्पीड से GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। कितना GB? बस अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। दाहो के समीप कालीडैम तालाब में स्कूली 4 विद्यार्थियों के डूब जाने से हुई मौत के चलते दाहोद में देखा गया शोक का वातावरण। प्राप्त जानकारी अनुसार दाहोद की स्वनिर्भर तथा लिटिल फ्लावर स्कूल में 8वीं-9वीं में अभ्यासरत 4 विद्यार्थी कालीडैम तफरी करने गए थे, जहां दोपहर के समय तालाब में नहाते हुए चारों विद्यार्थी डूब गए थे, जिससे चारों ही विद्यार्थियों की हुई थी मौत। हालांकि स्थानिकों को जानकारी मिलते ही विद्यार्थियों को बचाने के भरसक प्रयास भी स्थानिकों द्वारा किए गए थे, किंतु तब तक चारों विद्यार्थियों ने ली थी अंतिम सांसें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 में से 3 विद्यार्थी एक ही स्कूल के बताए गए, जिनकी मौत हुई थी। 100 परिजनों सहित स्कूल का स्टाफ भी अस्पताल परिसर में देखा गया। એટલે આ જે બાળકો ડૂબવાની ઘટના છે એ અમને જાણ થઈ સાંજે 4 વાગે, તો તપાસ કરી અમારા બાળકો છે, એમાંથી 3 બાળકો અમારા છે, મકવાણા રેનિશ ભગત ગુડિયા ભાર્ગવ છે અને બાંગડિયા ચિરાગ છે, એ 3 મારી સ્કૂલના છે, ચોથો છોકરો ધ્યાન નથી અમારી સ્કૂલનો નથી, પરંતુ આ 3 છે મારી સ્કૂલના। આજે સ્કૂલે આવ્યા હતા ને ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષા હોવાથી સ્કૂલ 9 વાગે છૂટી જાય એટલે એ બાળકો 9 વાગે છૂટી ગયા હતા, એમના પરિવાર થકી જ અમને તો 4 વાગે ખબર પડી છે। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी व चारों मृतदेह को दाहोद के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। स्वनिर्भर माध्यमिक शाला दाहोद 4 विद्यार्थी काली डेम बाजू में एक नाड़ा में नहा गए, त्या 4 विद्यार्थी डूबी गए। दाहोद रूरल पुलिस गुनो नोधवाने तपास चल। इस दुखद घटना के चलते सरकारी अस्पताल परिसर सहित
समग्र दाहोद में शोक का वातावरण देखा गया था। डीटीएन परिवार की तरफ से हम भी इस दुखद घटना के चलते अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दादी आप कब आ रही हो? आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है। अरे पापा अपना भजन बंद करो ना, मेरी गेम रुक गई। लो अपने आप ही बंद हो गया भजन। अरे देव बेटा क्या हुआ? क्या आप लोग अपने नेट बंद करेंगे? मुझे मेरे ऑनलाइन योगा क्लासेस करने हैं। अब नेटवर्क शेयर करें सभी से बिना किसी रुकावट के। गुजरात वाइडेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। अरे बेटा पासवर्ड बताना ना, मुझे ऑनलाइन मूवी देखनी है। आर यू ऑन GTPL? अरे अभी तक लगाया नहीं, जल्दी से लगाइए। झाड़ो के समीप धावड़िया चेक पोस्ट पर बोलेरो और ट्रक के बीच हुए सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार राजस्थान बांसवाड़ा जिले के विविध गांवों से कुछ ग्रामीण दाहोद चौसाला स्थित सदगुरु फाउंडेशन में ट्रेनिंग पूरी कर GJ9BD121 बोलेरो जीप में सवार होकर अपने वतन जा रहे थे। रात्रि तकरीबन 10 बजे के करीब झालोद के समीप राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पर धावड़िया चौकड़ी के करीब राजस्थान की तरफ से आ रही ट्रक नंबर RJ27A3797 के साथ बोलेरो टकरा गई, जिसके चलते बोलेरो में बैठे 4 लोगों की, जिसमें 3 महिलाएं व एक पुरुष ड्राइवर की, घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। व इस दुर्घटना के चलते 7 लोग हुए थे घायल, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल रवाना करवाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाज के चलते एक अन्य व्यक्ति की भी हुई मौत। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही ली थी हाथ में। जालो धावड़िया चेक पोस्ट आगे राजस्थान तरफ जता रोड एक बोलेरो अने ट्रक वच्चे अकस्मात थयेल छे। एमां 4 माणसो एक्सपायर थई गयेल छे अने 6 इंजर छे अने सारवार माटे दाहोद रिफर करेल छे। हाल तपास सभी चालू छे। धानपुर के समय एक बार फिर से दीपड़ा यानी कि तेंदुआ दिखाई दिया और उसने एक महिला को लिया अपनी चपेट में। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार धानपुर के पिपोदरा गांव के झरी फलिए में एक बार फिर वन्य हिंसक प्राणी दीपड़ा या फिर तेंदुआ रिहायशी विस्तार में घुस आने के साथ साथ मनुष्य पर हमला करने की घटना सामने आई है। इस बार 2 बच्चों सहित टहल रही दीपड़ी या मादा तेंदुआ ने शौच क्रिया के लिए जा रही सुमलीबेन नामक महिला को शिकार बनाया और सुमलीबेन पर हमला कर पीठ, माथा तथा कपाल के भाग को अपने पंजे व दांत से जख्मी कर लहूलुहान कर दिया। अपने बचाव में सुमलीबेन चीखने चिल्लाने लगी। उनकी आवाजें सुन परिजन तथा स्थानिक लोग तुरंत वहां पहुंच गए। तब कहीं जाकर वन्य जीव बच्चों सहित वहां से हुआ पलायन। तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। वन्यकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए तथा घायल सुमलीबेन को 108 मार्फत तत्काल इलाज के लिए किया गया रवाना। जब हल्का सा कलर दिखने लगे तो इसमें डालिए 1 चम्मच नमक। उसके बाद जल्दी करो मॉम, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा 5 मिनट। मॉम मॉम जल्दी। अरे कितनी देर? अरे मेरी बस आ गई है, मैं जा रहा हूँ, बाय। सुन सुन ओम, क्या आपका अभी इंटरनेट ऐसे ही रुकता है? GTPL लगाइए। गुजरात वाइडेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। और आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही अच्छी पास्ता। स्विच करें GTPL का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, बिना रुकावट वीडियो देखें। अंधश्रद्धा के खिलाफ लोगों में जन जागृति लाने हेतु भीलवाड़ा में किया गया एक कार्यक्रम। दाहोद आदिवासी बाहुल्य जिला होने की वजह से शिक्षा का व्याप थोड़ा कम है, वहीं अंधश्रद्धा के मामले अक्सर
सामने आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाहोद के भीलवाड़ा में अंधश्रद्धा के चलते एक मौत हो गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागृत करने के हेतु से भीलवाड़ा विस्तार में यहीं के लोगों को एकत्रित कर कल्पनाबेन की अगवानी में मातंगी सखी मंडल द्वारा एक जन जागृति कार्यक्रम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स तथा अंधश्रद्धा के नाम पर होने वाले चमत्कारों के जानकार व्यक्तियों को विशेष तौर पर किया गया था आमंत्रित। डॉक्टर्स ने लोगों को बीमारी के चलते योग्य डॉक्टर से सलाह, जांच व इलाज की बातें समझाई और अंधश्रद्धा से दूर रहने को सलाह दी, तो वहीं अन्य विशेषज्ञों ने चमत्कारों के पीछे की वास्तविकता लोगों को बताते हुए अंधश्रद्धा से दूर रहने की अपील की थी। भारी तादाद में भीलवाड़ा के लोगों ने इस कार्यक्रम का लिया लाभ। पश्चिम रेलवे इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप का दाहोद के रेलवे स्टेडियम में हुआ शुभारंभ। दाहोद के रेलवे स्टेडियम में पश्चिम रेलवे इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। मुख्य कारखाना प्रबंधक एनडी शक्केवार के हाथों इस प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। इस मौके पर रेल के आला अधिकारी भी रहे मौजूद और उसके बाद सभी अधिकारियों ने सामूहिक रूप से खिलाड़ियों के साथ परिचय लिया और उसके बाद इस प्रतियोगिता का पहला मैच दाहोद वर्कशॉप तथा मुंबई हेडक्वार्टर की टीम के बीच में हुआ। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे की हर डिवीजन की मतलब कि 7 टीमों ने लिया हिस्सा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी इंडियन रेलवे, इंडिया की टीम तथा प्रो कबड्डी में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा भी रेलवे स्टेडियम में इस मौके पर देखा गया। डाउनलोड कंप्लीट। वाओ, अब अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड करें 100 Mbps की स्पीड से। GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। कितना GB? बस अभी थोड़ी देर में भेजता हूं। ट्राइबल डेवलपमेंट पर बन रहे टीवी प्रोग्राम में दाहोद के कलाकारों ने दिखाया अपने जोहर। दाहोद जिले सहित समग्र गुजरात में हो रहे विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल डेवलपमेंट पर बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म या यूं कहिए कि क्विकीज में दाहोद के कलाकारों ने दाहोद के विविध विस्तारों में हुई शूटिंग के चलते टेलीविजन के कैमरे के सम्मुख कमलेश उदासी के निर्देशन में अपनी कला का किया प्रदर्शन। दाहोद के इन कलाकारों की अभिनय क्षमता व प्रतिभा देखकर दाहोद में शूटिंग के लिए आए कमलेश उदासी सहित की टीम भी हुई प्रभावित। दाहोद अनाज भाजन गौशाला के नवीन केटल शेड का भी हाल ही में हुआ लोकार्पण। दाहोद की अनाज महाजन गौशाला, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तब से लेकर आज तक अविरत तौर पर ये गौशाला यूं ही गौधन की सेवा करती आ रही है। अभी हाल ही में इस गौशाला में एक कैटल शेड का, जो कि नया बना है, उसका हुआ है लोकार्पण और इस मौके पर दानवीरों ने लाखों का दान इस गौशाला को दिया है। और वैसे भी ये गौशाला लोगों के दान पर ही चलती है, इसलिए हमेशा की तरह यूं ही दाहोद के दानवीर इस गौशाला को दान देते रहें, ऐसी गौशाला के द्वारा आशाएं और अपेक्षाएं व्यक्त की गई। दादी आप कब आ रही हो? आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है। अरे पापा, अपना भजन बंद करो ना, मेरी गेम रुक गई। लो, अपने आप ही बंद हो गया भजन। अरे देव बेटा, क्या हुआ? क्या आप लोग अपने नेट बंद करेंगे? मुझे मेरे ऑनलाइन योगा क्लासेस करने हैं।
अब नेटवर्क शेयर करें सभी से बिना किसी रुकावट के। गुजरात वाइडेस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क GTPL फाइबर ब्रॉडबैंड, सच में अनलिमिटेड। अरे बेटा पासवर्ड बताना ना, मुझे ऑनलाइन मूवी देखनी है। आर यू ऑन GTPL? अरे अभी तक लगाया नहीं, जल्दी से लगाइए। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे। संस्कार सोशल ग्रुप द्वारा द्वितीय राम यात्रा 25 मार्च को ठक्कर फलिया से निकाली जाएगी, जिसका अधिकाधिक लोग उठा सकते हैं लाभ। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत।